जय श्री महाकाल दोस्तों, उज्जैन के अंदर दुर्लभ कश्यप गैंग ने एक बार फिर से तबाही मचाने का ठान लिया है। डेढ़ साल बाद गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन जेल से बाहर आया है और कहा जा रहा है दोस्तों इस बार केकेसी गैंग के लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। दुर्लभ कश्यप के हथियारों से बदला लेने के लिए कुणाल डोरेमोन प्लानिंग कर रहा है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों आखिरकार दुर्लभ कश्यप गैंग के बारे में अब क्या क्या जानकारियां निकल कर सामने आ रही है। कुणाल डोरेमोन जेल से आने के बाद अब क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है, किस तरह से केकेसी गैंग के लड़कों से अब वो लोग बदला लेगा, एक एक करके तमाम बातों का आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आप सबों को सरकार भाई का दिल से सलाम। आप लोगों ने दोस्तों वीडियो के कमेंट में कई तरह का कमेंट करा था, आप लोगों ने सवाल पूछा था कि किस तरह से कुणाल डोरेमोन अपने दुश्मनों से बदला लेगा, चयन सीके जेल से बाहर कब आएगा, तमाम बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हम देंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कुणाल डोरेमोन के बारे में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कुणाल डोरेमोन दुर्लभ कश्यप का सबसे करीबी दोस्त में से एक था। आपको बता दूं दुर्लभ कश्यप को साल 2020 में केकेसी गैंग के लड़कों ने मौत के घाट उतार दिया था। और वैसे भी आपको बता दूं दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद दोस्तों चारों तरफ तहलका मच गया था, चारों तरफ सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप का ही चर्चा चलता था। क्योंकि दोस्तों सबसे कम समय में अगर किसी गैंगस्टर ने सबसे ज्यादा तबाही मचाने का काम करा तो वो काम करा था दुर्लभ कश्यप ने। आपको बता दूं दुर्लभ कश्यप ने 16 साल की उम्र में ही अपराध के दुनिया में कदम रख दिया और वो बंदा कभी किसी से डरता नहीं था। एक तो बाबा महाकाल का परम भक्त था, दूसरा ये था कि वो अगर कुछ भी बोलता था तो उसे करके छोड़ता था। आपको बता दूं साल 2020 में जब दुर्लभ कश्यप मारा गया, दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसके दोस्तों ने कसम खा लिया कि हम दुर्लभ भाई के हथियारों को छोड़ेंगे नहीं। और आपको बता दूं दोस्तों दुर्लभ कश्यप के हथियारों से बदला लेने के लिए कुणाल डोरेमोन, जिसने शाहनवाज खान का भाई सरफराज खान को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के मारा था, और आपको बता दूं दोस्तों हत्या के प्रयास के मामले में ही कुणाल डोरेमोन को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो आपको बता दूं कुणाल डोरेमोन पिछले डेढ़ साल से जेल के अंदर बंद था। और आपको बता दूं दोस्तों कुणाल डोरेमोन जब गिरफ्तार हुआ था उसी वक्त बहुत सारे लोगों का सपना टूट गया था। दुर्लभ कश्यप के से बहुत सारे समर्थक थे जो कि चाहते थे कि दुर्लभ कश्यप के हथियारों से बदला लिया जाए, लेकिन कुणाल डोरेमोन तो जेल चला गया। अब दोस्तों कुणाल डोरेमोन के जेल जाने के बाद हुआ ये कि बाद में चयन सीके भी जेल चला गया। आपको पते के लिए बता दूं दोस्तों चयन सीके दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद डी कंपनी गैंग को संभालना शुरू कर दिया था। आप देख सकते हो दोस्तों यही है चयन सीके। चयन सीके भी दिमाग से बेहद शातिर था और चयन सीके के बारे में बताया जाता है दोस्तों ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता था। अब आप कहोगे कि भाई था क्यों लगा रहे हो, क्योंकि दोस्तों जब ये जेल से बाहर था उस वक्त ये बहुत ज्यादा शातिरगिरी दिखाता था, बहुत ज्यादा दिमाग से सनकी भी था, कभी किसी से डरता नहीं था और ये भी बाबा महाकाल का परम भक्त था। तो दोस्तों चयन सीके दुर्लभ कश्यप गैंग को चला तो रहा था, लेकिन बाद में चयन सीके को भी गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि दोस्तों इंदौर के अंदर एक हिस्ट्री सीटर बदमाश था जिसका नाम था अनिल दीक्षित, उसे चयन सीके ने गोलियों से भून दिया और अनिल दीक्षित मारा गया। अनिल दीक्षित की हत्या के मामले में ही चयन सीके को गिरफ्तार किया गया था। तो आपको बता दूं पहले कुणाल डोरेमोन जेल गया, फिर चयन सीके जेल चला गया। और दोस्तों इस तरह से जब दोनों गैंगस्टर जेल चला गया तो दुर्लभ कश्यप के समर्थकों का मानो कि दिल ही टूट गया था। दुर्लभ कश्यप को पसंद करने वाले लड़कों को ये लगने लग गया कि अब तो दुर्लभ भाई के हथियारों से बदला लिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि दोस्तों चयन सीके ही था जो कि दुर्लभ कश्यप के हथियारों से बदला ले पाता। उसके अलावा एक कुणाल डोरेमोन ही था जो कि बदला ले पाता, लेकिन ये दोनों तो जेल के अंदर बंद था। अब दोस्तों डेढ़ साल के बाद जब कुणाल डोरेमोन जेल से बाहर आया है तो कुणाल डोरेमोन का पहला वीडियो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखने को मिला है। जैसा कि आप दोस्तों बगल में देख सकते हो किस तरह से कुणाल डोरेमोन ठुमके लगा रहा है, दोस्तों ये ठुमका नहीं है बल्कि कुणाल डोरेमोन ने अपने इंस्टा अकाउंट पर साफ साफ लिखा है आई एम अ रियल गैंगस्टर। आप सोच सकते हो दोस्तों कुणाल डोरेमोन जेल से बाहर आने के बाद भी रुका नहीं है, सुधरा नहीं है। आपको बता दूं कुछ समय पहले रोशन शर्मा भी जेल से बाहर आया था, तो दुर्लभ कश्यप गैंग के बदमाशों को ये लग रहा था, दुर्लभ कश्यप के चाहने वाले समर्थकों को ये लग रहा था कि रोशन शर्मा बदला लेगा। लेकिन दोस्तों साफ साफ मैं कहना चाहता हूँ रोशन शर्मा को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस अपने मस्ती में था। लेकिन दोस्तों जब से कुणाल डोरेमोन यानी कि कुणाल बिलोडिया जेल से बाहर आया है तब से दुर्लभ कश्यप के समर्थकों को ये लग रहा है कि अब कुणाल डोरेमोन ही कुछ कर सकता है। बाकी आपको बता दूं दोस्तों कुणाल डोरेमोन के बारे में कहा जा रहा है वो प्लानिंग कर रहा है कि वो दुर्लभ कश्यप के हथियारों से बदला ले। लेकिन देखो दोस्तों मैं तो आप लोगों को न्यूज़ बता रहा हूँ, तो मैं तो कभी ये नहीं कह सकता हूँ कि कहीं भी कोई किसी का कत्ल करे, किसी का मर्डर करे। किसी का भी कत्ल करना, मर्डर करना ये तो गलत बात है और गलत चीज़ों का मैं तो समर्थन नहीं करता हूँ।
लेकिन दोस्तों जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कुणाल डोरेमोन खतरनाक प्लानिंग कर रहा है। इस बार उज्जैन के अंदर वो बड़ा सा तबाही मचाने का प्लानिंग कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आगे कुणाल डोरेमोन करता क्या है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि चयन सिके जेल से बाहर कब आएगा, क्योंकि चयन सिके भी तो मास्टर प्लानर है। दोस्तों चयन सिके ने जब अनिल दीक्षित का हत्या करा था तो इंदौर पुलिस चयन सिके को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा इधर से उधर भटक रही थी। चयन सिके आसानी से पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने चयन सिके को गिरफ्तार कर लिया। तो सवाल आता है दोस्तों कि चयन सिके जेल से बाहर कब आएगा। तो फिलहाल दोस्तों चयन सिके के बारे में कोई ऐसा अपडेट निकल कर सामने आया नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएगा, क्योंकि दोस्तों चयन सिके मर्डर केस के मामले में अभी जेल के अंदर बंद है। तो आपको पता ही होगा जब मामला मर्डर का हो तो वो केस तो थोड़ा लंबा चलता ही है। तो देखते हैं चयन सिके कब तक जेल से बाहर आता है। तब तक कुणाल डोरेमोन के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों जो भी दुर्लभ कश्यप का करीबी साथी था उन सभी लोगों से मिलकर वो मीटिंग कर रहा है, और सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों इस बार केकेसी गैंग के लड़कों से कुणाल डोरेमोन बदला लेकर रहेगा। बाकी दोस्तों ज़्यादा जानकारी कुछ और है नहीं, जो भी जानकारियाँ निकल कर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। और दोस्तों इस तरह की और भी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो दोस्तों मैं वीडियो के आखिर में एक बात जरूर कहूँगा, कभी भी किसी भी गैंगस्टर की तरह बनने का कोशिश मत करो, आपराधिक काम मत करो, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। जितना अच्छा काम करोगे जिंदगी में उतना अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, और जितना बुरा काम करोगे उतना ज़्यादा बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। बाकी मुझे पता है आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो, ज़्यादा क्या ही कहने की ज़रूरत है। तो अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। एक बार फिर से कहूँगा जय श्री महाकाल दोस्तों। बाकी कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हो जय श्री महाकाल। और मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए मस्त रहना, स्वस्थ रहना। फिलहाल के लिए इतना ही।